जय श्री राधे। रचना आर्ट्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल की बहुत ही सुंदर पोशाक बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दो कलर की ऊन ली है और सबसे पहले हम एक नॉट लगा के चैन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक नॉट लगा के चैन बनाई है और अब हम इस चैन में से 17 चैन बनाएंगे। मैं ये पोशाक 5, 6 और 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने 17 चैन बनाई हैं। और यदि आप इसे और भी ज़्यादा बड़ी बनाएं तो आप ये चैन 21 से 22 चैन तक ले सकती हैं, 8, 9, 10 नंबर के कान्हा जी के लिए। तो यहाँ पे हमने ये 17 चैन बनाई हैं। और इसके बाद दो चैनों को हमें छोड़ना है और तीसरी चैन में से हमें डबल क्रोशिया लेनी है। दो चैनों को छोड़ के तीसरी चैन में से हमें एक डबल क्रोशिया लेनी है और इसके बाद इसके पास वाली चैन में से भी हम डबल क्रोशिया लेंगे और इसी तरह से हमें हर एक चैन में से एक ही डबल क्रोशिया लेनी है और इस तरह से आप पूरी लाइन को कंप्लीट करें। तो यहाँ पे हमने हर एक चैन में से एक एक डबल क्रोशिया ली है, लाइन को कंप्लीट किया है। इसके बाद अब हम फिर से दो चैन बनाएंगे, एक दो। दो चैन बनाने के बाद पहली चैन में से हमें एक डबल क्रोशिया लेनी है, इसके बाद इसी चैन में से फिर से हमें एक और डबल क्रोशिया लेनी है। तो अब की बार हमें हर एक चैन में से दो डबल क्रोशिया लेनी है। ध्यान रखें, अब हम ये दूसरी लाइन बना रहे हैं तो अब की बार हम हर एक चैन में से दो डबल क्रोशिया ले रहे हैं और इसी तरह से आप पूरी लाइन को ही कंप्लीट करें। तो यहाँ पे हमने हर एक चैन में से दो डबल क्रोशिया लेकर लाइन को कंप्लीट किया है। अब हम इसे अपनी तरफ घुमाएंगे और इसके बाद अब हमें फिर से दो चैन बनानी है शुरुआत में और फिर हम एक डबल क्रोशिया लेंगे, फिर दूसरी चैन में से फिर से हमें एक डबल क्रोशिया लेनी है, तीसरी चैन में से भी हमें एक ही डबल क्रोशिया लेनी है और इसी तरह से हम शुरुआत की 5 चैन बनाएंगे और 5 चैनों में से हमें एक एक डबल क्रोशिया लेनी है। फिर हम दो चैन बनाएंगे, दो चैन बनाने के बाद हमें 5 चैनों को छोड़ना है। 5 चैन छोड़ने के बाद छठी चैन में से हमें एक डबल क्रोशिया लेनी है। अब हम हर एक चैन में से एक एक डबल क्रोशिया लेंगे। लास्ट में हमें 10 चैन छोड़नी है, वहाँ तक हम हर एक चैन में से एक एक ही डबल क्रोशिया लेंगे। तो इस तरह से आप हर एक चैन में से एक एक ही डबल क्रोशिया लें, लास्ट में आप 10 चैन छोड़ें और उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। 10 चैन तक आप ऐसे हर एक चैन में से एक एक डबल क्रोशिया लें। अब यहाँ पे ये 10 चैन रह गई हैं। अब हम जैसे हमने शुरुआत में ये बनाया था, अब हम यहाँ पे भी ये बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये 10 चैन हैं अब जो बची हुई हैं। अब हमें दो चैन बनानी है इस तरह से और 5 चैन हम छोड़ेंगे, छठी चैन में से हमें एक डबल क्रोशिया लेनी है और अब हमें यहाँ पे हर एक चैन में से एक एक ही डबल क्रोशिया लेनी है इस तरह से।
देखिए शुरुआत में हमने पांच चेन बनाई, फिर पांच चेनों को छोड़ा, फिर हमने हर एक चेन में से एक एक डबल क्रोशिया ली, फिर लास्ट में हमने फिर से ऐसे पांच चेन छोड़ के पांच चेनों को बनाया। और इसके बाद अब हमने इसे अपनी तरफ घुमाया है और फिर हम दो चेन बनाएंगे। दो चेन बनाने के बाद हम अब की बार हर एक चेन में से एक एक ही डबल क्रोशिया लेंगे और आप इस लाइन को कंप्लीट करें हर एक चेन में से एक एक डबल क्रोशिया लेकर। तो यहाँ पे हमने हर एक चेन में से एक एक डबल क्रोशिया लेकर लाइन को कंप्लीट किया है। और इसके बाद हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमारी टॉप है पोशाक की और अब हम इसे सिंपल चेन के साथ यहाँ पे जोड़ेंगे इस तरह से ऐसे। और अब हमें दूसरे कलर की ऊन लगानी है और पहले हम एक चेन बनाएंगे, एक चेन, दो चेन। दो चेन बनाने के बाद अब हम हर एक चेन में से दो डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह से। ऐसे ही आपको हर एक चेन में से दो डबल क्रोशिया लेनी है और लाइन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमने हर एक चेन में से दो डबल क्रोशिया लेकर पूरे राउंड को कंप्लीट किया है और लास्ट में हम इसे इस तरह से सिंपल चेन के साथ जोड़ते हैं। और अब हम फिर से दूसरे कलर की ऊन लेंगे और फिर हमें एक चेन, दो चेन और तीन चेन बनानी है। और अब की बार हम एक चेन में से 10 डबल क्रोशिया लेंगे। यहाँ पे हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं तो हम एक चेन में से 10 डबल क्रोशिया ले रहे हैं, आप देख सकती हैं। तो यहाँ पे हमने एक चेन में से 10 डबल क्रोशिया ली हैं। इसके बाद फिर से हम तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद इसी चेन में से हमें इसे इस तरह से जोड़ना है और फिर हम तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद तीन चेनों को छोड़ना है और चौथी चेन में से फिर से हमें 10 डबल क्रोशिया लेनी है। तो इस तरह से आप फिर से इसमें से 10 डबल क्रोशिया लें। यहाँ पे हमने फिर से एक चेन में से 10 डबल क्रोशिया ली हैं, फिर हम तीन चेन बनाएंगे और फिर हम इसी चेन में से इसे इस तरह से जोड़ेंगे और फिर हमें तीन चेन फिर से बनानी है। तीन चेनों को हमें छोड़ना है और चौथी चेन में से फिर से हमें 10 डबल क्रोशिया लेनी है। इसी तरह से आप पूरे राउंड को कंप्लीट करें। तो यहाँ पे हमने पूरे राउंड को कंप्लीट किया है और लास्ट में हम तीन चेन बना के जहाँ से हमने शुरुआत की है वहाँ से हम इसे इस तरह से सिंपल चेन के साथ जोड़ेंगे इस तरह से। अब हमें दूसरे कलर की ऊन लेनी है और यहाँ पे हम फिर से तीन चेन बनाएंगे। और तीन चेन बनाने के बाद पहली चेन में से हमें एक डबल क्रोशिया लेनी है, फिर हम दूसरी चेन में से भी एक ही डबल क्रोशिया लेंगे, तीसरी चेन में से भी हमें एक ही डबल क्रोशिया लेनी है, चौथी चेन में से भी हम एक डबल क्रोशिया लेंगे और जो ये पांचवी चेन है इसमें से हमें पांच डबल क्रोशिया लेनी है, जो इसका सेंटर है इसमें से हम पांच डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से और इसके बाद फिर हर एक चेन में से हम एक एक ही डबल क्रोशिया लेंगे।
और इसके बाद अब हम एक चेन दो चेन बनाएंगे और लास्ट में हमें इस सिंपल चेन के साथ ऐसे जोड़ना है पिंक कलर वाली लाइन से, और फिर हम तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद पहली चेन में से हम एक डबल क्रोशिया लेंगे, इसके बाद दूसरी चेन में से भी हमें एक ही डबल क्रोशिया लेनी है, तीसरी चेन में से भी, चौथी चेन में से भी, और पांचवी चेन में से हमें पांच डबल क्रोशिया लेनी है। इस तरह से पांच डबल क्रोशिया लेने के बाद और अब हम फिर से हर एक चेन में से एक-एक ही डबल क्रोशिया लेंगे। अब लास्ट में हमें तीन चेन बनानी है। तीन चेन बनाने के बाद हम पिंक कलर वाली लाइन से इसे इस तरह से जोड़ेंगे और इसके बाद तीन चेन बनानी है और फिर हम हर एक चेन में से एक-एक डबल क्रोशिया लेंगे और इसी तरह से आप पूरे राउंड को कंप्लीट करें। हर एक चेन में से आपको एक-एक डबल क्रोशिया लेनी है, सेंटर वाली चेन से आपको पांच डबल क्रोशिया लेनी है और सेम ऐसे ही आप पूरी लाइन को कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे हमने लाइन को कंप्लीट कर लिया है और तीन चेन बनाने के बाद हम लास्ट में से इस तरह से जोड़ेंगे और फिर हमें तीन चेन बनानी है। तीन चेन बनाने के बाद हम पहली चेन में से एक डबल क्रोशिया लेंगे, दूसरी चेन में से भी हमें एक ही डबल क्रोशिया लेनी है, तीसरी चेन में से भी हम एक डबल क्रोशिया लेंगे, चौथी चेन में से भी हमें एक ही डबल क्रोशिया लेनी है और जो सेंटर वाली चेन होगी उस चेन में से हम पांच डबल क्रोशिया लेंगे। आप देख लीजिए, अब सेंटर वाली चेन में से हमें पांच डबल क्रोशिया लेनी है। सेम ऐसे ही इस डिज़ाइन को भी बनाना है। तो यहाँ पे हमने सेंटर वाली चेन में से पांच डबल क्रोशिया लिए हैं, हर चेन में से हमने एक एक डबल क्रोशिया ली है और फिर हम यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद फिर से हमें पिंक वाली चेन से इसे ऐसे जोड़ना है और इसके बाद हमें फिर से तीन चेन बनानी है। तीन चेन बनाने के बाद पहली चेन में से हम एक डबल क्रोशिया लेंगे, दूसरी चेन में से भी हमें एक ही डबल क्रोशिया लेनी है। ऐसे ही हम हर एक चेन में से एक एक डबल क्रोशिया लेंगे, सेंटर वाली चेन से हम पांच डबल क्रोशिया लेंगे। ऐसे आप पूरे राउंड को कंप्लीट करें। और यदि आप ये पोशाक बड़े नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हैं तो और भी आप इसमें ये डिज़ाइन बना सकती हैं, एक दो लाइन और आप बना लें। कैप की वीडियो हमने चैनल पर पहले से अपलोड कर दी है इस पोशाक के साथ की। यदि फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।